सितारगंज सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित कुमार आर्य ने आज सितारगंज में प्रेस वार्ता की। ललित आर्य ने सरकार पर गाय के ऊपर हो रहे भेदभाव पूरे रवैये पर उत्तराखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला। आर्य ने कहा कि गाय का इस्तेमाल भाजपा सरकार सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। बहुत बड़ी राजनीति सरकार वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है और गौ हत्या कानून जो आया था उसका सभी भारतवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ है इस सरकार में जो है ऐसी गायों की बेकदरी कभी नहीं देखेगी जो आज देखी जा रही है। सड़कों में गायों का अंबार लगा है, गाड़ियों के पास होने की जगह नहीं है, कई गाय जो है गाड़ियों से टकरा रही हैं और कई गायों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने जो फसल अपनी मेहनत से बोई उनका दोहन हो रहा है फसल का। तो इस वक्त जहाँ हम जा रहे हैं उत्तराखंड की तरफ या किसी भी तरफ हो, तो हर जगह पर गाय जो है रोडों में माता से उसको गाय को आवारा का औहदा इस सरकार ने दे दिया है और इस सरकार पर गौ हत्या का पाप लगना लगभग तय है, क्योंकि ऐसी दशा पर आप बताइए क्या करेगा कोई भी, और सब मजबूर हैं। और गौ सेवा केंद्र के नाम पर इतनी धांधली पच्ची से चल रही, जनता का जो गाड़े कमाई का पैसा है गौ सेवा केंद्र के नाम से अपने जुगाड़ों से ये लोग गौ सेवा केंद्र ला रहे हैं और गौशाला के नाम से पैसा खाया जा रहा है कई जगह पर, और गाय की तस्करी गौशाला से भी हो रही है और हर दुकान पर आप देखिए गाय के नाम से गौ सेवा केंद्र के नाम से गायों का एक गुल्लक बना के रखा है, उस पैसे का कोई पता नहीं है। सरकार को इस पर गौ सेवा सचल दल बनाने की जरूरत है जो इन सब की जांच करे और गायों पर सरकार को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है।